हेलो गाइस, तो की हाल चाल, दिस इज रविंद्र सिंह नेगी और आप देख रहे हो ज्ञानी बाबा। तो आज की वीडियो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो वीडियो क्रिएटर्स हैं तो यार ये वीडियो उनके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। और अभी मैं OBS स्टूडियो में वो कर रहा हूँ जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो यार मेरे को ही पता चला इसके बारे में, इसलिए मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यार आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वीडियो क्रिएटर हो या आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप कैसे इजीली, यार अगर आपका Adobe प्रीमियर प्रो आप चलाते हो, क्योंकि मैं पहले फिल्मोरा चलाता था, तो फिल्मोरा तो यार काफ़ी इजीली चल जाता है लो एंड PC में भी। मेरा भी लो एंड PC है, करीबन 8 साल हो चुके हैं मेरे PC को और काफ़ी अब यार परफॉर्मेंस नहीं देता उस हिसाब से, तो यार वो दिक्कत है, मेरे को इशू आती है। तो मैंने सोचा Adobe प्रीमियर प्रो चलाऊँ और थोड़ा कुछ और नया सीखूँ, क्योंकि फिल्मोरा में तो यार मैं सभी चीज़ सीख चुका हूँ, इफेक्ट वगैरह डालना, तो यार मैंने सोचा ये सीख लूँ। तो अगर आप फिल्मोरा चलाते हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आप प्रीमियर प्रो चलाते हो और आपके इसमें एरर आता है ग्राफिक कार्ड्स वाला, जो कि मेरे इसमें आता है यार, क्योंकि लैपटॉप बहुत पुराना है और ग्राफिक कार्ड भी बहुत पुराना है उसमें। ग्राफिक कार्ड तो इंटेली का था यार उसमें, मतलब इनबिल्ट रहता उस टाइम, तो आप कैसे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले पहली बार मेरे चैनल पर आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए, तब जाकर मेरे वीडियो सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये मेरा जो प्रीमियर प्रो दिख रहा है आपको, सबसे पहले यहाँ से इसको क्लिक कर देते हैं तो प्रीमियर प्रो चलाते हैं और आपको दिखाता हूँ यार क्या एरर आता है इसमें। और लैपटॉप भी काफ़ी पुराना है इसलिए यार ये थोड़ा लेट खुलता है मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ये मेरा इंटेल HD ग्राफिक कार्ड के यहाँ पे आगे फिक्स के ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे अनसपोर्टेड वीडियो ड्राइवर बता रहे हैं। अब यार ये आपके ना CPU की दिक्कत है ना आपके सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, किसी में इशू नहीं है, आपके ये जो ड्राइवर है वो अपडेट नहीं होता टाइम टू टाइम, तो उसकी दिक्कत है यार, आपको ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा। तो यार इसके तीन मेथड हैं, अब मैं तीन मेथड में आपको पहला मेथड बताता हूँ आपको, कि जो यहाँ पे आपको फिक्स दिख रहा है इसको आप इजीली क्लिक करके क्रोम पे चले जाओगे, वहाँ पे क्लिक हियर ऐसा कुछ लिखा होगा वहाँ पे, उसको आप क्लिक करोगे ऐसे ही तो आपका डाउनलोड होने लगेगा ग्राफिक वाला, तो या तो आप वो कर सकते हो। उसमें फिर आपको फिर एक्सपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा फाइल, पता नहीं अंदर मैंने किया नहीं, क्योंकि यार 400-500 MB कौन खर्च करे, जब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा ये बता रहा हूँ आपको आगे। सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ नॉन इशू पे कर दो, और हर बार ऐसे ही, मतलब जब भी आप प्रीमियर प्रो खोलोगे तो ये आपका पॉपअप स्क्रीन पे आएगा और उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड तो ये है, क्योंकि हर बार आएगा तो यार काफ़ी बेकार लगता है जब भी आता है। और तीसरा ऑप्शन आपका ये है कि रुको जरा सब्र करो, तीसरा ऑप्शन ये है कि जो मैं आप बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यू होते नॉन इशू पे चले जाना है। तो यार मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना है इसलिए यार धीरे भी चलता है इसमें Adobe प्रीमियर प्रो, क्योंकि यार बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। तो अभी देखो ये प्रीमियर प्रो मेरा खुल चुका है, इसके बाद आपको सीधे देखो कितना धीरे चल रहा है, क्योंकि यार लैपटॉप बहुत पुराना है और ग्राफिक कार्ड भी मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि इंटेल के जो पहले इनबिल्ट आते थे वही लगे हैं इसमें, अलग सा तो है नहीं NVIDIA वगैरह का जो कि वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्लास एक न्यू प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, या तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नेगी वाला खोल देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे और यहाँ पे टाइम लेता है थोड़ा, तो इसको इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस यार अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आपको वीडियो में अगर मतलब जब आपका पूरा काम हो तभी वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए यार और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ये जो भी हमारे आ रखे हैं, ये टाइम लाइन आ रखा है, यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एडिट पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे प्रीफ्रेंस पे जाना है, उसके बाद आपको सिंपली जनरल पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको अभी थोड़ा टाइम ले गए, तो जैसे ही आप जनरल पे जाओगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पॉपअप होगी जो कि यहाँ पे लिखा है सो सिस्टम कंपैटिबिलिटी इशू एट स्टार्टअप, तो यहाँ पे इसको आपको अनचेक कर देना है, जैसे ही आप अनचेक कर दोगे उसके बाद ओके कर देना है। और गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, तो यार गाइज कई लोग बोलते हैं कि Ctrl F12 दबाओ, तो Ctrl F12 भी दबा के देख लेते हैं यार। तो Ctrl F12 में यार कई वीडियो आप देखोगे YouTube पे तो Ctrl F12 करके वो अपना जो रिपोर्ट इशू है उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको डिबग डाटाबेस व्यू पे जाना है, उसके बाद यहाँ रिपोर्ट जैसे आप सर्च करोगे तो वैसे यहाँ पे एक चेक का ऑप्शन आ जाएगा ट्रू फॉल्स वाला, तो यार वो मेरे इसमें आया नहीं इसलिए मैंने आपको वो वाला बताया नहीं मेथड। तो वाला भी एक मेथड है यार, अगर आपके इसमें आता है रिपोर्ट आप करोगे तो उसके बाद आपको उसको ट्रू होगा जो उसको अनचेक करना पड़ेगा, तो आपका वो एकदम से गायब हो जाएगा जो भी इशू था आपका। पर मेरे को यार ये वाला मेथड पता था इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया। इसके बाद आपको इजीली अपने प्रीमियर प्रो को काट देना है, उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश कर लेना है, उसके बाद जब आप दोबारा खोलोगे अपने प्रीमियर प्रो को तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई आपका वो पॉपअप स्क्रीन हुआ ही नहीं, जो भी आपका जो इशू आ रहा था एरर आ रहा था आपके ग्राफिक कार्ड का
तो यार इस वीडियो में यार यही था यार मैं। और तो अगर आपको यार प्रीमियर प्रो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, Adobe प्रीमियर प्रो आपको नहीं मिल रही लिंक वगैरह, क्योंकि मैंने तो क्रैक कर रखा है यार, मैं साफ बोल रहा हूँ। तो अगर आपको अगर उसकी लिंक नहीं मिल रही तो मेरे को जरूर बताइए यार, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगा और उसमें पूरा बताऊँगा आपको A to Z स्टेप की आप कैसे इजिली अपने प्रीमियर प्रो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा Adobe प्रीमियर प्रो है वो आसानी से खुल चुका है और यहाँ पे हम फाइल करके ओपन प्रोजेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। अब जो भी मतलब एरर था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। तो यार इस वीडियो में इतना ही था यार, एरर मैंने बिल्कुल आपका मतलब सही कर दिया। यहाँ पे आप जा सकते हो नेगी पे और इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो गया है पूरा सही। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार दिखाते रहिए यार चैनल पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।